नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी के बारे में, जो रहने वाले वृंदावन के हैं और बहुत ही प्यारा सन के एक वृंदावन में मंदिर है जो कमल की डिज़ाइन का बना हुआ है। उसमें प्यारे से राधे कृष्ण जी विराज रहे हैं और आप देख ही सकते हैं। अब इनकी कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन कथा करते हैं ये, और इनकी कथा स्थापित हो चुकी हैं और कथा करेंगे। और देख सकते हैं कलश यात्रा निकली हुई है, बहुत ही ढोल नगारों के जरिए बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा निकली हुई है और बहुत ही सभी बहुत कड़ों से जनता पहुँच के कलश यात्रा धूमधाम से निकाली है। सभी के माताओं के सर पे कलश विराज हुए हैं और देख ही सकते हैं सब पीले वस्त्र पहने हुए हैं और सभी देखिए झांकी के अनुसार सभी के ने कथाएँ वो कलश यात्रा निकाली है। बहुत ही प्यारी कलश यात्रा लग रही है ये और बहुत ही धूमधाम से, और देख ही सकते हैं कथा करने देवकी नंदन ठाकुर जी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सबसे पहले कथावाचक यही है वृंदावन में। और अब तो बहुत सारे हो गए हैं लेकिन बहुत अच्छी कथा करते हैं ये। सिर्फ कथा ही नहीं, बहुत धर्म के बारे में हमें बहुत ज्ञान देते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत डिपेंड करती हैं। और इनकी देखिए आज महाराज जी ने व्हाइट वस्त्र पहन रखे हैं और चंदन लगा रखा है, और देख सकते हैं कथा पंडाल कितना अद्भुत कितना सुंदर लग रहा है। और देख सकते हैं हाथी के उसमें कलश यात्रा में हाथी को भी सम्मिलित किया गया, उस पर सवारी की गई, और देख सकते हैं कि सभी जोड़ी अपने अपने कलश लेके अपने चल रहे हैं और बहुत ही अद्भुत ये सम्मान रिया और बहुत ही प्यारा सा ये सुंदर रहस्य रिया। और दूसरी बात यह है कि कल महाशिवरात्रि थी, 8 मार्च थी, तो बहुत ही अच्छा सभी ने शिवरात्रि बनाई बहुत धूमधाम से। और देवकी नंदन ठाकुर जी भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारी कथा करते हैं ये। उनकी स्वभाव भी बहुत ही अद्भुत है और उनकी कथा सुनने बहुत बहुत दूर से करोड़ों लोग आते हैं। और बस इतने ही कहेंगे कि अपना टाइम निकाल के पर कथा सुनने जाया करो, प्रभु के लिए टाइम निकाला करो और भजन जितना हो सके उतना भजन किया करो, कथा सुना करो। और कोई ज़रूरी नहीं है 1 घंटा भजन बैठ के करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सबसे बड़ा यही कीर्तन है। और दूसरी बात कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए अपने राम नाम जपते रहा करो। जीवन में कितनी भी तरक्की करो लेकिन अपने इष्ट को कभी मत भूलना, अपने आराध्य को कभी मत भूलना। क्योंकि अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, नई वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सीताराम।